तो देखते आंखों सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। और आज की क्लास के अंदर हम एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने जा रहे हैं और वो है गेमिंग चेयर के ऊपर। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल पर आना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहां से साइज लेना है 1200x1200 आरजीबी कलर, ठीक है। और आप करेंगे क्रिएट नाउ। अब यहां से आप लेंगे ग्रेडियंट कलर, राइट क्लिक कीजिएगा इस पर, ग्रेडियंट टूल लीजिएगा, ये कलर ब्लैक हो और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो आपका होगा डार्क ग्रे, थोड़ा सा ग्रेश ये वाला, ओके करेंगे आप। यहाँ पे आके बेसिक में आके ग्रेडियंट कलर उठा लेंगे, ठीक है। एक लेयर खोलेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ तक लेके आएंगे इसको और छोड़ेंगे तो ये आपके सामने इस तरह शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने करना है क्या, फाइल पे आना है ओपन और यहाँ से इसको ओपन कर लिया। इस वॉलपेपर को उठा के रखेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से, कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट ऑल्टर के साथ बड़ा कर लीजिएगा। मैं यहाँ से ऑल्टर के साथ बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से इसको मास्क देंगे, यहाँ से दोबारा ग्रेडियंट टूल लेंगे और अब ये वाला लेंगे, यानी कि एक साइड ट्रांसपेरेंट होगी और एक तरफ ब्लैक कलर। शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे ऐसे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और नीचे लिए और इसको आप दे देंगे हार्ड लाइट, ओके जी, हार्ड लाइट दे दिया आपने, अच्छा जी। इसके बाद आप एक क्लियर खोलेंगे, ठीक है, क्लियर खोल लिया आपने। उसके बाद यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, कलर लेंगे आप ग्रेश टाइप का, लाइट ग्रेश, ठीक है। और इसको आप फेरेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट ऑल्टर के साथ इसको फैला लीजिए, शिफ्ट ऑल्टर के साथ इसको आप फैलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और शिफ्ट ऑल्टर से इसको इनसाइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा उसको नीचे ले आएंगे पकड़ के ऐसे, इसके बाद आप इंटर मारेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा उसको यहाँ रखिएगा, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी आप फिल कम कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसकी डुप्लीकेट बनाएगा कंट्रोल जे से, इसको रखेंगे आप यहाँ पे, फिर कंट्रोल जे से डुप्लीकेट इसको रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है जी। लाइट टाइप का लाइट ऐसा लग रहा है जैसे लाइट आ रही हो। इसको यहाँ से आपने क्लोज करा, फाइल पाया आपने करा ओपन, ओपन करने के बाद यहाँ से आप अपनी मर्जी की चेयर उठा लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से शायद मैं ये वाली चेयर ले लूँ, ठीक है। ओपन करें इसको, इसको उठा के आप यहाँ रखेंगे ऐसे, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जरूर कीजिएगा, कंट्रोल टी, शिफ्ट ऑल्टर के साथ इसको आप छोटा करेंगे, इसको रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ से इसको ख़त्म कर दीजिएगा, अच्छा जी। अब हम इस चेयर का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कंट्रोल यू करेंगे इसे चेयर पर रहते हुए और यहाँ से मैं इसको मूव करके इसको ब्लूश कलर दे रहा हूँ, ठीक है जी, ओके कर दिया आपने। फाइल पाएंगे ओपन, यहाँ से आप ये थ्री नंबर पर क्लिक करके इसको उठा लीजिएगा, इसको उठा के यहाँ रखिएगा ऐसे और इसको बैक साइड पर ले आएगा इसके ड्रैग करते हुए, ठीक है जी। अब आप करेंगे कंट्रोल यू और उसको करेंगे कलराइज पर क्लिक, इसको पीछे कीजिएगा, इसको बिल्कुल आगे कर दीजिएगा, थोड़े से ब्राइटनेस बढ़ाएगा, इसको मैं ब्लू कलर दूंगा यहाँ से, ओके जी, ये हो गया आपका शार्प ब्लू, ठीक है जी, ओके कर दिया आपने। अब हम चेयर का शेड देंगे, तो यहाँ से आप लेंगे ब्रश टूल, ठीक है, हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो, साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ से लेंगे हम ब्लैक कलर, एक लेयर खोलेंगे और उस पर क्लिक करेंगे ऐसे, कंट्रोल टी शिफ्ट के साथ इसको नीचे करेंगे ऐसे, इसको यहाँ रख देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका आ गया शेड। अब हम कुछ लिखेंगे टेक्स्ट, उसके जनाब हाँ हम उसके बाद एक टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने टेक्स्ट तो लेना है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, इसके बारे में आपने क्लिक करा और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया एक, और फॉन्ट ले मैं लूँगा बीबस, मेरा फेवरेट फॉन्ट है बीबस, ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके इसका साइज छोटा कर लीजिएगा, और अगर इसको ऑल कैप्स करना हो तो सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से इस पर क्लिक करके आप ऑल कैप्स करेंगे, ये कैप्स लॉक हो जाएगा, इसका साइज बड़ा कर दीजिएगा और फॉन्ट में करूँगा इसका वाइट,
ठीक है जी, इसको यहाँ रख दिया मैंने। अगर आप थोड़े से बड़े फॉन्ट में चाह रहे हो तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है, सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे क्लिक करके इसमें स्पेस ऑटो कर दीजिएगा। और अगर इसको क्लिक करके हल लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे तो अभी देख सकते हैं ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ के इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे दें इसको, ठीक है, कंट्रोल टी, साइज बड़ा कर लिया आपने। और टेक्स्ट टूल लेके इस पर क्लिक करेंगे, हल्का सा पुश करके इसको आगे करेंगे तो ये एडजस्ट हो गया, ठीक है जी। अब बाकी टेक्स्ट लिखेंगे, अच्छा उसके बाद हम एक और टेक्स्ट लिखेंगे, पर सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ रखते हैं और इसको 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 उठा के इसके ऊपर ले आते हैं और मूव करा के इसको सेंटर में कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और अब हम लिखेंगे टेक्स्ट। एक और यहाँ से टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसका फॉन्ट छोटा कर देंगे, इसको कट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया आपने, इसको आपने यहाँ एडजस्ट करा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आने लेयर 5 पे राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन और उसको आप कर देंगे थोड़ा सा ड्रॉप शेडो, ठीक है। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा विजिबल हो और स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ओके जी। लुक आपके पास इस तरीके से आ रहा है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम एक लोगो ऐड करेंगे और इसको हम सेल में भी लगा देते हैं, तो सबसे पहले सेल में लगाते हैं हम इसको। यहाँ सब सर्कल ले लेंगे, ठीक है, ऊपर चले जाइएगा, शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ कीजिएगा, स्ट्रोक इसका बंद कर दीजिएगा और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं, सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस लिखी $150 और इसको स्पेस बहुत हो गया इसलिए दिख नहीं रहा था, इसको क्लोज करें और यहाँ पे डॉलर का साइन दे दें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों में स्पेस कम कीजिएगा यहाँ से पकड़ के, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें और इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ रखेंगे और इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे। इसका फॉन्ट कलर मैं यहीं से उठा लेता हूँ, ग्रेश, और इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं हम, ओके जी, यह तो हो गया ये ना, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करते हैं। और अब हम एक लगाते हैं लोगो, फाइल पर आप आएंगे, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोगो ले लीजिएगा, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ से आप करेंगे इसको पेस्ट और रख देंगे इसको यहाँ पे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा, इसको छोटा कर दीजिएगा, ठीक है, और कंट्रोल यू करके आप इसका कलराइज पा के कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका ब्लू ही कलर कर देता हूँ, सेम जैसे ये है, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट तैयार है सोशल मीडिया की, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा लो करके देखें, ठीक है, या अगर हम इसको हटा के देखते हैं तब भी ठीक लग रही है और वैसे भी ठीक लग रही है, ठीक है, और थोड़ा सा उसका शेडो में कम कर देता हूँ। देखें ट्विक्स ट्विकिंग वगैरह तो चलती रहती है, ठीक है, या देखिए ट्विकिंग तो चलेगी, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा कम करा, ओके। और अब मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में आके कंट्रोल यू करूँगा,
कलर राइस पर चेक लगा के इसको आगे करूँगा, और यहाँ से अपनी मर्जी का कलर भी दे सकता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा हो, जस्ट लाइक ये या ये, जो आपका दिल करे यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है जी, और लास्ट में थोड़ा सा जाते हुए इसको मैं दोबारा से चेंज करना चाहूँगा, ड्रॉप शैडो थोड़ा सा कम करता हूँ इसको मैं। ठीक है जी, यहाँ तक काफ़ी, और ये आपका सोशल मीडिया का पोस्ट तैयार है। ठीक है जी, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।